हेलो दोस्तों, आज है संडे और आज हम आपको हमारा संडे का पूरा दिन दिखाएंगे। और मम्मी पापा इस वक्त गए हैं बाहर किसी काम से, तो शादी मोर में घर में अकेले हैं, तो हम लोग घर का कुछ काम भी कर देंगे क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम सफाई करेंगे। और साथ में आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना ये देखने के लिए कि आज हम संडे को कहीं बाहर घूमने जाएंगे कि नहीं। तो अभी हम लोग चादर तय करने जा रहे हैं और देखते हैं शादियों का चादर तय करने आती है कि नहीं। चल कर, ये बताना जरूरी है। अरे तो अभी हम तेरा टेस्ट लेंगे। ये देखो कर क्या रहा है चलो आज ये तो पता चल गया कि शादी में को चादर तय करने ठीक ठाक आती है। तो इसी बात पे तू सारी चादर तय कर दे, मैं किचन साफ कर देती हूँ। वैसे भी चादर एक ही तो है। एक नहीं है, अंदर बेडरूम में भी है। और सुबह उठ करके हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, जिस वजह से किचन काफी ज्यादा फैला हुआ, क्योंकि आज का नाश्ता मैंने ही बनाया था। हाँ, तो जब मैंने खुद से किचन गंदा किया है तो अब साफ भी करना मेरा ही फर्ज है, तो मैं फटाफट से किचन भी साफ कर दूंगी। तो अभी सादिम ने चादर सही भी कर दी है और अभी इसे सिर्फ झाड़ू लगाना बाकी है। और मैंने भी किचन का सारा सामान उनकी जगह पे रख दिया है, बस अभी मैं बॉटल भरूंगी थोड़ी सी और ये जो थोड़े से बर्तन निकले इन्हें भी धुल दूंगी। तो मम्मी पापा आ गए घर और मम्मी ने सादिम का ये झाड़ू लगाने का तरीका देख करके आते ही चिल्ला दिया, क्योंकि ये झाड़ू लगाने से ज्यादा झाड़ू को बर्बाद कर रहे हैं। तो सादिम से तो बर्तन धुलने नहीं आया क्योंकि अभी वो छोटा और उसे बर्तन धुलने आते नहीं है, तो मैं बर्तन धुलने जा रही हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो मम्मी पापा का खाना गर्म कर रही है और हम लोग के लिए भी सारा खाना गर्म कर रही है। तो मम्मी ने भिंडी की भाजी बनाई थी और साथ में दाल चावल। हम सब लोग बैठ गए खाना खाने और आज मम्मी ने पापा के लिए खाने में बनाया है दाल, जो कि एकदम सादी है, और साथ में पराठे बना दिए है। और हम सब लोगों के लिए भी एकदम मस्त तीखी वाली दाल बनी है और साथ में भिंडी की भाजी। और मैं खाऊंगी अंडा, दाल, भिंडी और साथ में पराठा, और मेरी फेवरेट सब्जी भिंडी है। और मम्मी का भिंडी बनाने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी बनाती है, जिसे देखने पर लगता है कि ये भिंडी जल गई हो, लेकिन ये जली हुई भिंडी नहीं है। तो खाना खाने के बाद अभी हम लोग बैठ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे सादिम अपनी बुक कंप्लीट कर रहा है क्योंकि कल हमारे स्कूल में टेस्ट भी है, और मैं भी अपनी बुक कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि साथ ही साथ मेरे भी टेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो सादिम और मैंने अब पढ़ाई भी कर ली है और अभी शाम हो चुकी है, तो मम्मी और मैं जा रहे हैं टेलर के पास, क्योंकि मेरे पास एक सूट का कपड़ा रखा हुआ है जिसे मुझे सिलाना है। तो आज मम्मी और मैं जाएंगे और इसे टेलर के पास दे करके आएंगे, तो हमें ये एक हफ्ते में सिल करके मिल जाएगा। और ये अस्तर का सूट है, वो बताएगा कितने दिन में मिलेगा, हम थोड़ी ना बताएंगे। अरे एक हफ्ते तक तो मिल ही जाता है। और ये सूट ऐसे देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, तो जब ये तो जब ये सिल करके आ जाएगा तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। और मुझे तो सूट पहनना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरे साइज के सूट मिलते नहीं है, जिस वजह से मुझे ज्यादातर सूट सिलाने ही पड़ते हैं। और ये शायद मेरा दूसरा सूट है जो मैं सिला रही हूँ, इससे पहले मैंने जो पहला सूट सिलाया था वो ईद में सिलाया था। तो अभी चलो चलते हैं और टेलर को ये सूट दे के आते हैं। तो अभी मम्मी और मैं आ गए हैं नीचे, और हम लोगों ने कल भी प्लान बनाया था कपड़ा सिलाने के लिए लेके आने का, लेकिन हम लोग नहीं लेके आ पाए, तो आज हम लोग आए हैं। तो अभी हम लोग टेलर के पास आए थे और हमने यहाँ पे अपना कपड़ा भी दे दिया, लेकिन जो टेलर से हम हमेशा सिलाते हैं वो आज छुट्टी पे थे क्योंकि आज संडे है, तो जिस वजह से हम कल फिर से आएंगे और उन्हें अपना नाप दे करके जाएंगे, क्योंकि दूसरे टेलर है तो हमने कभी उन्हें नाप नहीं दिया है, तो हम दूसरे टेलर पे भरोसा नहीं कर सकते। आप लोग भी ऐसे बोलते रहते हो कि मम्मी हमारी बहन जैसी दिखती है, लेकिन यहाँ सादिम ने लगता है मम्मी को सच में बहन समझ लिया और उनके साथ भाई बहन की तरह लड़ाई कर रहा है सिर्फ एक रुपए की पेप्सी के पीछे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी वाली एक रुपए की पेप्सी। नहीं, मेरी पेप्सी तो तुम पी नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं पी सकते, क्योंकि तुम देखो क्योंकि इसने इसकी पेप्सी खत्म कर दी, अब ये मेरी पेप्सी भी पीने जा रहा है, तो मैं क्यों पीने दूं। और अब मम्मी की पेप्सी के पीछे पड़ गया है। और यहाँ पे मम्मी ने पापा का खाना भी ला करके रख दिया है और मस्त गरम गरम पापड़ भी तल दिए। दोस्तों मेरा तो यहाँ पे मोयम हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मेरे को पेप्सी नहीं मिल रही थी, ना तो मम्मी से मिल रही ना मुझसे मिल रही, तो सच में इसका मोय मोय हो गया। आप कमेंट करके बताओ आपको इसका मोय मोय कैसा लगा। बहुत गंदा।
तो सब लोगों ने खाना खा लिया था, तो अब मैं अकेले बैठ करके खा रही हूँ दाल चावल, और रुचि के साथ में मैंने खटाई भी ले लिया है। और मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि मुझे खटाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो क्या खटाई आपको भी पसंद है हमें कमेंट में बताना। तो कल है मंडे और हमें कल स्कूल भी जाना है, तो इसीलिए शादी में रात में ही अपना टाइम टेबल लगा रहे हैं, वरना सुबह उठ करके हमें स्कूल जाना रहता है और सुबह सुबह तो हम नींद में रहते हैं, जिस वजह से हम अपना टाइम टेबल सही से लगा नहीं पाते, तो रात में ही हम टाइम टेबल लगा के सो जाते हैं, जिस वजह से हमें आसान पड़ता है। तो अभी मैं भी अपना टाइम टेबल लगा लेती हूँ। तो हमने खाना पीना भी खा लिया और साथ में बैकपैक भी कर लिया है, तो कल हम जाएंगे स्कूल और फिर से हमारे स्कूल ट्यूशन वही रेगुलर रूटीन चालू हो जाएगा। तो आज का हमारा संडे ऐसे ही घर में गुजरा है एकदम हंसी खुशी के साथ, और साथ में हमने बहुत सारी घर वालों के साथ में बातें की, तो ये संडे काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। बाहर घूमने से ज़्यादा घर में अगर संडे बिताते हैं तो वो और भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। दिन गुजर जाता है, उठते हैं बैठते हैं खाते पीते हैं, घर में यही सब होता है बस। तो आपने अपना संडे कैसे गुजारा वो भी कमेंट में बता देना, और पापा के चैनल को भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू बाय।